हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सबको फिर से को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। तो इस तरह का डिज़ाइन के लिए मेरा ही एक सब्सक्राइबर ने मेरे को कुछ फोटोग्राफ भेजा था, कुछ डिज़ाइन भेजा था कि मेरे को कुछ इस तरह का डिज़ाइन कैसे बनाता है, उसका ट्रिक्स दिखाने के लिए या उसको समझाने के लिए। तो मैंने उसी के रिक्वेस्ट पर और उनका जो डिज़ाइन था उसी के आधार पर ये ट्यूटोरियल आज बना रहा हूँ। तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन कैसे बनाया जाता है, इस तरह का देखिए मैंने दो बनाए, एक ही फोटो से दो बैकग्राउंड से मैं अप्लाई किया था, एक तो ये और एक ये। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया, यहाँ पे भी आप कुछ टेक्स्ट देख सकते हो, कोई बात नहीं, आप आराम से देख सकते हो। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए देखिए, यहाँ पे दो फोटोग्राफ लिया, एक बैकग्राउंड लिया और उसके ऊपर तीनों को मैं एक सुपर कंपोज किया। तो कैसे बनते हैं एकदम ईजी प्रोसेस में सिखाएंगे। तो इस तरह का डिज़ाइन आप कहाँ पर यूज़ करोगे, सबसे पहली बात है तो यूज़ कहाँ पर करना है। इसको आप फोटो बुक के फर्स्ट पेज में, लास्ट पेज में या किसी डीएम पेज में यूज़ कर सकते हो, कवर पेज में यूज़ कर सकते हो, पोस्टर बना सकते हो, किसी भी पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हो इस तरह से। और आप नॉर्मली इस तरह का डिज़ाइन करके फ्रेमिंग करके भी आप देख सकते हो। तो ये सारे चीज़ आप कर सकते हो। तो इस तरह का डिज़ाइन कैसे बनते हैं वो भी एकदम ईजी प्रोसेस में फोटोशॉप के अंदर, उसी के बारे में आज हम लोग सीखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो तरह का बनाया, जो मैंने पहले दिखाया आपको, तो ये दोनों को बंद करता हूँ। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और आपको कुछ नया सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला, ऐसा कुछ आपको लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मेरा आने वाला सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए उसके पास में जो बेल आइकन उसको जरूर क्लिक कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर दो फोटो लिया, एक तो ये फोटो और एक ये फोटो, लेकिन ये दोनों फोटो को मैंने कटआउट कर लिया। देखिए यहाँ पर मैंने कटआउट करके रखा है। कटआउट के बारे में यहाँ पर मैंने नहीं दिखा रहा हूँ, इसीलिए कि मैं कटआउट करने जाऊँगा तो इसके लिए काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने कटआउट पहले कर लिया। कटआउट यहाँ सबको मैं पेन टूल से कटिंग किया। तो कटिंग के बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो बनाया है, अगर आपको कटिंग के बारे में पता है तो बहुत ही अच्छा। जिस फ्रेंड को कटिंग के बारे में उतना अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, आप रेफरेंस के लिए कटिंग के बारे में जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल पर विजिट करने के बाद आप वहाँ से पेन टूल के, लेसर टूल से, काफ़ी सारे मास्किंग से आप कटिंग के बारे में नॉलेज आप ले सकते हो। तो सबसे पहले जो करना है, मेरे को यहाँ पर एक न्यू फाइल लेना है, जिसका साइज़ मैं यहाँ पर 18x12 दे रहा हूँ, रेजोल्यूशन मैं 300 रख रहा हूँ। चलिए ओके करता हूँ मैं। सबसे पहले जो करना है, ये जो बैकग्राउंड है इसको मेरे को यहाँ पे लाना है, बैकग्राउंड के मैं यहाँ पे लाना है। तो बैकग्राउंड को मैं कंट्रोल टी करता हूँ, इस तरह से इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ मेरे ज़रूरत के हिसाब से। तो मैं इसको सेट कर लेता हूँ। इतना सा सेट हो जाने के बाद इस बैकग्राउंड में थोड़ा सा और कॉन्ट्रास्ट और थोड़ा सा इसमें लाइटिंग लाना है। तो इसके लिए क्या करना है, मेरे को एडजस्टमेंट जाना है और उसके बाद यहाँ पर ग्रेडियंट पे, ग्रेडियंट पे जाने के बाद बिल्कुल इस तरह का ग्रेडियंट जो डिफॉल्ट है आपको मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में आपका ब्लैक, राइट साइड में व्हाइट, तो व्हाइट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कलर का ऑप्शन खुल जाएगा, कलर आपको कुछ इस तरह का एक ब्लूइश कलर आपको लेना है, कुछ इस तरह का एक ब्लूइश कलर आपको लेना है, चूज़ करना है। चलिए इतना सा कलर लेने के बाद ओके करता हूँ, इसको भी ओके करता हूँ। और ये जो एंगल है इसको मैं चेंज करके कर देता हूँ 180 डिग्री, तो ब्लू जो है लेफ्ट में आ जाएगा और ब्लैक जो है राइट में आ जाएगा, उसको ओके करता हूँ। और इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके कर दूँगा ओवरले। तो आप देख सकते हो इसका लुक जो है थोड़ा चेंज हो गया। इतना सा हो जाने के बाद एक न्यू लेयर ले लीजिए और इसको आप कर दीजिए ओवरले। और यहाँ से आप आईड्रॉपर टूल ले लीजिए और ये जो कलर है इसको पिक कर लीजिए। फिर आप ब्रश टूल ले लीजिए और उसका सेटिंग यहाँ पे हार्डनेस 0 रख के, ओपेसिटी और फ्लो दोनों 100% रखते हुए यहाँ पे एक बार आप उसको क्लिक कर लीजिए। फिर इसको कंट्रोल टी करके इतना सा बढ़ा लीजिए। यहाँ पे येलो का थोड़ा सा येलो और यहाँ पे बढ़ जाएगा, बस इतना सा करना है। उसके बाद आपको जो करना है, यहाँ पे मैंने जो दो फोटो लिया था, दो फोटो को लेके आना है। इस फोटो को पहले लेके आना है, इस फोटो को मैं लेके आता हूँ यहाँ पे। और इस फोटो को थोड़ा सा कंट्रोल टी के सहायता से बड़ा कर लूँगा, इसको मैं कुछ इस तरह से इसको मैं बड़ा कर लूँगा, बिल्कुल इस तरह से इसको मैं ओके करता हूँ। उसके बाद इस फोटो को थोड़ा सा मास्किंग कर दूंगा। मास्किंग करने के लिए कीबोर्ड पे ऑल बटन प्रेस करते हुए ऑल बटन प्रेस कीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे एड लेयर मास्क पे क्लिक कीजिएगा। इतना सा हो जाने के बाद ब्रश टूल लीजिए, उसका सेटिंग मैं पहले ही बता दिया, हार्डनेस 0 रखेगा, ओपेसिटी और फ्लो दोनों 100% रहेगा। और फोरग्राउंड में आपका व्हाइट चाहिए तो व्हाइट लगाने के लिए कीबोर्ड पे एक्स बटन या तो इस एरो को क्लिक कर सकते हो। फिर आप ये डायमीटर को कीबोर्ड पे बैकग्राउंड से छोटा बड़ा कर सकते हो और इस तरह से उसको मास्किंग कर दीजिए। बस इतना सा हो जाने के बाद इसका ओपेसिटी जो है आप कर दीजिए 10%। फिर आप नीचे की तरफ थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए, जितना सा ब्लेंड होता है उतना ही अच्छा आपका मास्किंग अच्छा लगता है। इतना सा हो जाने के बाद अभी से जो लेयर है इसको डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद
यहाँ पर आपको मिल जाएगा सटिन, सटिन पे क्लिक करो और ये जो ओपासिटी है इसको आप फुल कर दीजिए। फुल करने के बाद इसको ओके कर दीजिए और इसका ओपासिटी जो है कम करके थोड़ा सा कम कर दीजिए। यहाँ पे मैं इसको 60% रखता हूँ। इतना सा तो क्लियर है। फिर आप करना क्या है, ये जो फोटो है इसको लाना है, इस फोटो को लाना है। इस फोटो को यहाँ पे लेके आइए और इसको यहाँ पे रखिए। इस फोटो को थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिए। जहाँ पे आपको रखना है आपको यहाँ से रखना। मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ और इसको सेटिंग पे चलता हूँ और इसका भी ओपेसिटी थोड़ा सा बढ़ा। इस बार मैं इसको 100% नहीं करूँगा, थोड़ा सा डार्क करूँगा। इतना सा हो जाने के बाद मैं इसको ओके करता हूँ। फिर यहाँ पे और एक चीज़ करना है, इसको मास्किंग करना है। इस बार कीबोर्ड पे ऑल बटन नहीं प्रेस करना, नॉर्मली यहाँ पे प्रेस करना है। करने के बाद फोरग्राउंड में आपका ब्लैक करना है मेरे को, इसको फोरग्राउंड में ब्लैक और बैकग्राउंड में व्हाइट रखते हुए यहाँ पे ब्लैक कर लेता हूँ। और इसके ऊपर जो टेन है टेन ही रहेगा और नीचे की तरफ से थोड़ा सा इसको मास्किंग कर दूंगा क्योंकि पैर मेरे को उतना क्लियर नहीं दिखना है। बस इतना सा हो जाने के बाद मेरा प्रोजेक्ट लगभग तैयार है। उसके बाद आपको जो करना है, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखना है जो इस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बटन लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लव फॉर एवर। मैंने ये लिखा, आपका जो मर्जी आप वो लिखिएगा। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। टेक्स्ट आपको जहाँ पे अच्छा लगता है देने के, आप यहाँ पे अच्छा लगे, यहाँ पे अच्छा लगे, यहाँ पे अच्छा, जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप दे दीजिएगा। उसमें कोई पाबंदी नहीं है, जैसा आपको लगे। और इतना ध्यान दीजिएगा कि जो टेक्स्ट आप लिखेंगे इसको थोड़ा सा स्टाइलिश फॉन्ट होना है क्योंकि इस तरह का डिज़ाइन के लिए थोड़ा सा स्टाइलिश फॉन्ट ही अप्रोप्रिएट है, मतलब अच्छा उसी फॉन्ट से लगता है। तो मैं इसको यहाँ पर डार्क थोड़ा ज़्यादा है तो इसको यहाँ पर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद इसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो, जैसा आपको मर्जी आप कलर चेंज कर सकते हो। तो मैं इसको कुछ इस तरह का कलर यहाँ पे देना चाहूँगा, लाइट येलो टाइप का कलर यहाँ पे देना चाहूँगा और इसका एक थोड़ा सा ड्रॉप शैडो भी मेरे को लग रहा है यहाँ पे देना चाहिए। तो इतना सा देने के बाद ओके कर दो। तो फ्रेंड्स देखिए, इतना सा ही आपको करना है। इतनी ईजी प्रोसेस में और इतनी कम टाइम में आपका ये एक खूबसूरत पेज बन जाएगा। मैंने आपको ये जो फोटो है इंटरनेट से डाउनलोड किया है, फोटो से दिखा, लेकिन आप शादी का फोटो से या किसी प्री वेडिंग किसी कपल का फोटो से आप इस तरह का डिज़ाइन बड़ी आसानी से बना सकते हो। कुछ नहीं करना है, नॉर्मली एक आपको जेपेग फाइल लेना है जो बैकग्राउंड जो इस तरह का हो सकता है, जिस तरह का भी आपको पसंद है उस तरह का ले सकते हो। और इसी ट्रिक्स को अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह का डिज़ाइन बड़ी आसानी से बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में भी आया हो। अगर काम करते हुए आपको कुछ परेशानी आए, कुछ प्रॉब्लम आए, फोटोशॉप रिलेटेड कुछ सवाल आपका है तो ज़रूर मेरे को बताइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मेरे को कॉल मत कीजिएगा, मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपका जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था ये वीडियो, फिर मिलेंगे नया कुछ वीडियो नया कुछ ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।